आज के बच्चे कल के सुनहरे भारत का आधार है। इन होनहार बच्चों को केंद्र में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों के घोषणा पत्र में हमारे देश द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सतत विकास लक्ष्यों के 9 विषय निर्धारित किए गए एवं पंचायतों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का निर्णय लिया गया है। इसी में एक विषय है बाल मैत्री पंचायत। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतें बाल मैत्री पंचायत के लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ग्राम पंचायतों के जरिए बच्चों के पोषण पर कार्य हो रहा है, उनके वैक्सीनेशन की समुचित व्यवस्था की जा रही है, बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाने के लिए और जन्म पंजीकरण कराने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए पंचायतों के माध्यम से बच्चों में पोषण की जरूरत जैसे मुद्दों पर हेल्दी बेबी शो, टॉक शो जैसे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्त आयोग की धनराशि से 79,718 शासकीय विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल मैत्री शौचालय का निर्माण, 24,580 ANM सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत एवं 83,066 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प कर बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। प्रदेश की 24,813 ग्राम पंचायतों द्वारा बाल मैत्री पंचायत के रूप में कार्य करने का संकल्प लिया गया है। ऐसी ग्राम पंचायतों में हसुड़ी अवसानपुर मॉडल ग्राम पंचायत बनकर उभरी है, जिसने गुणवत्ता परक शिक्षा सुविधाओं की सहायता से सिद्धार्थनगर जिले की ग्राम पंचायत हसुड़ी अवसानपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र आज दुनिया में अपने जिले के नाम का परचम लहरा रहे हैं। गांव के लगभग 200 से ऊपर बच्चे कन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जा रहे थे। मैंने एक सर्वे किया, उस सर्वे के दौरान मुझे पता चला कि साल भर में लगभग 10 लाख रुपया हमारे गांव का बाहर कन्वेंट स्कूलों में जाता है। तो मैंने उसके लिए अपने स्कूल को ही सबसे पहले हाईटेक करने का निर्णय लिया और उसमें कन्वेंट स्कूल के रूप में मैंने उसको कन्वर्ट किया और प्रशासन की मदद से मैंने अपने विद्यालय को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कराया। 13 बच्चे सरकारी कर्मचारियों के पढ़ रहे हैं, जिससे कि लोगों को एक विश्वास हुआ कि अगर टीचर्स के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एजुकेशन व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और गांव के लोगों ने फिर अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए, आज एक भी बच्चा हमारे गाँव का बाहर कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ने जा रहा है। आसपास के गाँव के करीब 70 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे पास में कमरे नहीं है, इसके नाते हमें नो एडमिशन का बोर्ड लगाना पड़ा। इस बात पर यकीन करना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल था इस विद्यालय का कायाकल्प करना। छात्रों के लिए देखे गए इस ख्वाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने रंग भरा और हसुड़ी अवसानपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन कायाकल्प से जोड़ा गया। योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू हुआ, जल्द ही नतीजे सामने दिखने लगे। प्राथमिक स्कूल के भीतर स्मार्ट क्लासेस का निर्माण हुआ, कमरे वातानुकूलित हुए, प्रोजेक्टर की व्यवस्था हुई, शुद्ध पेयजल के लिए RO प्लांट लगा, सभी कमरों में CCTV लगाया गया। स्कूल में लगे 5 कंप्यूटर से बच्चे कोडिंग और ई लाइब्रेरी का उपयोग करने लगे। स्कूल के बच्चों के लिए ओपन जिम और पार्क की व्यवस्था हुई। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय बनाए गए। जिस एक काम ने बच्चों को स्कूल से जोड़ दिया, वो था बच्चों के लिए स्कूल का फ्रेंडली वातावरण। बाल सभा के जरिए छात्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया। जब से इस बाल पंचायत का गठन हुआ है, तब से हमारे स्कूल में ड्रॉप आउट रेशियो 0 हो गया है, क्योंकि हम घर घर जाके सभी माता पिता को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। स्कूल के सभी बच्चों का ब्लड ग्रुप डेटा तैयार किया गया, उन्हें आधार से जोड़ा गया। इसका फायदा तब दिखा जब एक स्पेशल चाइल्ड खो गई थी, तब आधार के जरिए वो वापस अपने घर पहुंच पाई। हसुड़ी अवसानपुर का उच्च प्राथमिक विद्यालय आज प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों से प्रतिस्पर्धा में आगे निकल चुका है। यहां सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं। अब बाल अधिकार चार्टर को पूरी तरह से लागू करने के निर्देश का असर दिख रहा है। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में बच्चों के हितों को अमली जामा पहनाने के लिए कई समितियां और विभाग कार्य कर रहे हैं।
ग्राम पंचायत हसुड़ी औसानपुर देश की पहली ग्राम पंचायत है जहां ग्रामीण स्पेस लैब है। इसरो के मॉडल पर इस ग्राम पंचायत में विक्रम साराभाई ग्रामीण स्पेस लैब की स्थापना की गई। ग्राम पंचायत द्वारा व्योमिका स्पेस एकेडमी के सहयोग से स्पेस लैब की स्थापना कराई गई। इसरो के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक यहां के स्पेस लैब में नियमित रूप से ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। 20 दिसंबर को हमें हमारे 7 बच्चों को इसरो जाने का मौका मिला, जहां पे सैटेलाइट का निर्माण हो रहा है। हमारे बच्चों को वहां जाके दिखाया गया किस तरीके से कैमरे वहां काम करते हैं, किस तरीके से उसमें सर्किट्स का क्या काम रहता, सारी चीज़ों को वहां के लैब में हमें दिखाया गया। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में जाने का बच्चों को मौका मिला। 6 प्रोजेक्ट वहाँ बच्चों ने चयनित किया है जो शीघ्र ही हम अपने गाँव में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है कि ग्राम पंचायत का खुद का अपना मौसम केंद्र होगा। इसके अलावा सॉइल टेस्टिंग का किट रहेगा किसानों के लिए, और हम GIS मैपिंग के माध्यम से पूरे गांव का एक मैपिंग करेंगे जिसके थ्रू हम ये बता सकें किसानों को कि कब उन्हें खाद डालनी है, कब उन्हें पानी की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो हमारे विद्यालय में क्यारी लगी हुई वहां पे भी हम सेंसर के माध्यम से एक सिस्टम लगाएंगे, जिससे कि बच्चों को भी पता लगे कि हाँ हमारे पेड़ों को भूख लगी है, इन्हें पानी चाहिए, इन्हें भोजन चाहिए। इस तरीके से 6 प्रोजेक्ट हमने डिसाइड किए हैं जो आने वाले 2 से 3 महीने में हम अपने स्कूल के माध्यम से यहाँ करने जा रहे हैं। ये सब संभव हुआ है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शी सोच और प्रगतिशील विचारों की वजह से। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग द्वारा विद्यालयों का कायाकल्प कर सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार का वो कदम है जो प्रदेश के गांव-गांव में बच्चों के भविष्य को बेहतर बना रहा है। इससे न केवल पढ़ेंगे बच्चे बल्कि बढ़ेंगे बच्चे और सुरक्षित होगा भारत का भविष्य। भविष्य निर्माण के हर कदम पर साथ उत्तर प्रदेश सरकार।